युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने अपने निजी संस्थान को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की मांग उपायुक्त बिलासपुर से की है। शुक्रवार को उपायुक्त को बतौर पत्र के माध्यम से जिला अध्यक्ष ने यह बात ध्यान में लाई है। पत्र में जिला अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने कहा कि उनके पास बिलासपुर शहर के बीचों बीच एक निजी संस्थान है जिनमें 3 बड़े हॉल हैं। अगर प्रशासन को किसी भी समय कोविड वैक्सीनेशन के लिए स्थान चाहिए हो तो वह अपना सेंटर निशुल्क प्रशासन को दे देंगे। युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के दौर में युवा कांग्रेस जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने प्रशासन को यह भी आश्वस्त किया है कि इस महामारी के दौर में अगर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी निशुल्क प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में कोरोना महामारी एक भयंकर रूप धारण कर चुकी है। आए दिन बिलासपुर जिला में सैकड़ों मामले कोविड के सामने आ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने कोविड सेंटरों की भी संख्या बढ़ा दी है। ऐसे में अगर प्रशासन को कोविड सेंटर के लिए कोई अन्य स्थान भी चाहिए होगा तो वह भी युवा कांग्रेस उपलब्ध करवाने से पीछे नहीं हटेगी। जिला अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने बताया कि पिछले सत्र भी युवा कांग्रेस ने जरूरतमंद लोगों को राशन से लेकर दूध तक निशुल्क मुहैया करवाया है। इस सत्र के लिए भी वह पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। जी बताएं सर, क्या है? नमस्कार, आशीष ठाकुर, जिला अध्यक्ष बिलासपुर युवा कांग्रेस। आज हमने जिलाधीश महोदय से मुलाकात की और जिलाधीश महोदय जी को ज्ञापन प्रेषित किया। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एक निजी संस्थान बिलासपुर बस अड्डे के नजदीक है, तो वहां पर हमारे पास काफी ज्यादा स्पेस है। तो जैसे कि कल से 18 वर्ष से ऊपर के युवक और युवतियों को वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होने जा रहा है, तो हमने जिलाधीश जी के को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हमारे पास इतना ज्यादा स्पेस है वहां पर, तो अगर प्रदेश सरकार प्रशासन को अगर हमारे उस संस्थान की आवश्यकता वैक्सीनेशन के लिए पड़ेगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। उसका कोई भी हम शुल्क प्रशासन से नहीं लेंगे। और हमने हमारे पास पूरे जिला बिलासपुर के अंदर बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। हमने जिलाधीश जी को ये भी बताया कि जहां जहां पर हमारे वॉलंटियर्स की जरूरत कोरोना महामारी के वक्त में रहेगी, हम उसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना महामारी में अपना बचाव रखें। इन्हीं शब्दों के साथ। वहीं उपायुक्त रोहित जम्बाल ने भी युवा कांग्रेस के इस निर्णय का स्वागत किया है। उपायुक्त ने कहा कि भविष्य में अगर इस तरह की नौबत आती है तो प्रशासन युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की मदद लेगी। इस मौके पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता नरेश कुमार सहित बलबीर सिंह भी मौजूद रहे।